हाई एवरी वन, आई होप यू आर डूइंग वेल। माई नेम इज़ अपूर्वा एंड आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही पावरफुल सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आज की जो स्टोरी है, इनकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी करी है सेंट एक्सपीडाइट ने। एंड मुझे काफ़ी सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आती हैं सेंट एक्सपीडाइट की, सो आई डिसाइडेड कि अब मैं ये स्टोरीज़ को भी शेयर करना स्टार्ट करूँगी। सेंट एक्सपीडाइट बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डीटी हैं कह सकते हैं उन्हें। एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मिसकंसेप्शंस रखते हैं उनके बारे में, तो उनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। पहली चीज़, सेंट एक्सपीडाइट जो हैं वो आपके रिलीजन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आप किसी भी रिलीजन से हो, अगर आप इंसान हैं तो वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या हम उनको प्रे करें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है उनकी एंड वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। कभी दिल से मांग के देखो, चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है, क्या सेंट एक्सपीडाइट की जो मैंने प्रेयर शेयर करी है, क्या उसमें फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट है? आंसर है नहीं। जब आप देखो रिचुअल करते हो, रिचुअल में क्या होता है कि 7 या 9 डेज का ये रिचुअल होता है जिसमें आपको कैंडल्स चाहिए होती हैं, उनकी फ़ोटो चाहिए होती है, एक प्रॉपर उनके लिए ऑल्टर सेट होता है, ठीक। बट अगर आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर को आपको सिंपली एक बार बोलना है, सिर्फ एक बार बोलना है, अपनी विश बोलनी है, दिल से उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है, उनसे हेल्प मांगनी है, इसके बाद लेट गो कर देना है। काफ़ी सारे ऐसे लोग 3-4 दिन बाद ही मुझे बोलते हैं कि हमारी विश पूरी नहीं हुई। उनको टाइम दो, हो सकता है कि कभी कभी 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो इतना डेस्परेट मत हो एंड सिर्फ एक बार प्रेयर करनी है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, क्या फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है नहीं। अगर आप चाहें तो फ़ोन में फोटोग्राफ कर सकते हैं, फोटोग्राफ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एनर्जी से कनेक्ट करना है, दिल से कनेक्ट करना है उनसे, ठीक है। एक्चुअली में आपकी जो नीड है वो एक्चुअली में सीरियस होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखो। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर विश एंड एक टाइम पे एक विश, मल्टीपल विशेज़ की लिस्ट नहीं थमानी है उनको। तो रिस्पेक्ट करो उनकी एंड एक विश मांगो एंड बहुत दिल से मांगो, दैट इज़ इट। प्रेयर में सिर्फ इतना करना है। रिचुअल बहुत ही डिफरेंट है, रिचुअल का एक अलग प्रोसीजर है, वो 7-9 डेज तक का होता है। उसमें ऑल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने अभी तक रिचुअल शेयर किया ही नहीं है अपने चैनल पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं आगे फ्यूचर में शेयर करूंगी, बट अभी प्रेयर करनी है, एक बार करनी है, विश रखनी है एंड उसको लेट गो कर देना है। फोटो आप चाहे रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तब भी आपकी विश पूरी करेंगे। वो आपके लव से कनेक्ट करते हैं, वो आपकी लविंग एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको फोटोग्राफ ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो। यू हैव टू कनेक्ट विद योर हार्ट एंड दैट इज़ इट। एक बार मांगो एंड लेट गो कर दो, सिर्फ इतना करना है। चलिए बात कर लेते हैं अब आज की सक्सेस स्टोरी के बारे में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग इससे मोटिवेटेड फील करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं रीड करने वाली हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो आज की जो स्टोरी है ये हमें भेजी है रमन ने एंड मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है पूरा स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप भी अपनी तरफ से रीड कर सकते हैं एंड मैं इसे रीड करने वाली हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखती हैं कि पहले कभी इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं किया था, बट लास्ट ईयर इनको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो मिलता है जिनसे इन्हें काफ़ी आइडिया लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, बट इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं थी। फिर बाद में इन्हें हमारा ही चैनल मिलता है एंड वहाँ से इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। फिर बाद में आगे यहाँ पे लिखती हैं कि आई थॉट यार ये कितना ईजी है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना। फिर बेसिकली अपने करियर में MBA स्टूडेंट हैं एंड ये USA में अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहती थी एंड ये ऑलरेडी उस चीज़ के लिए 3 इंटरव्यूज दे चुकी थी एंड 4th इंटरव्यू के लिए गिवअप करने वाली थी, बट इनकी फैमिली ने इन्हें सजेस्ट किया कि इन्हें फिर से एक अटैम्प्ट और ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे आगे ये लिखती हैं कि काफ़ी डेस्परेट हो गई थी अपने 3rd अटैम्प्ट में एंड जो भी सारी टेक्निक्स थी वो सारी की सारी उन्होंने फॉलो करी एंड कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज ये डेस्परेट थी तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो करना इंपॉर्टेंट, यूनिवर्स को सरेंडर एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये एक इनका सबसे बड़ा रीज़न था कि इनका जो 3rd अटैम्प्ट था वो क्लियर नहीं हो पाया था। डेस्परेट होना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करना, खुद पे ट्रस्ट नहीं करना, ये एक हिंड्रेंस था। अब आगे यहाँ पे लिखती हैं, जब ये अपना 4th अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर रही थी तो ये काफ़ी पॉजिटिव थी एंड इन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया था जो इन्होंने हटाया नहीं था एंड उसमें इन्होंने अपनी विश रखी थी कि इन्हें USA जाना है। तो 5 डेज पहले इनको नोटिफिकेशन मिलता है इस चैनल की सेंट एक्सपीडाइट प्रेयर का जो कि मैंने अपलोड करी थी एंड इन्होंने अपनी जो रिक्वेस्ट थी वो सेंट एक्सपीडाइट को दी, यानी कि उनसे प्रे किया। सो इन्होंने यहाँ पे सेंट एक्सपीडाइट से प्रेयर किया।
So I did pray before my interview, but this time whole visa interview went like a miracle for me. Visa officer lady was very nice and I know deeply this time this is mine. As I show to St. Expedite in my request as please give me a cute officer who gives me visa. तो इन्होंने सेंट एक्सपेडाइट से ये विश भी करी थी कि जो भी वीज़ा ऑफिसर लेडी होगी या जो भी वीज़ा ऑफिसर होगा वो काफ़ी पोलाइट हो एंड काफ़ी अच्छा हो जो उन्हें इजीली इस चीज़ में वीज़ा ग्रांट कर दे। एंड इसके बाद आगे लिखती हैं यू नो व्हाट आई गॉट माय वीज़ा, यानी कि इनको इनका वीज़ा मिल गया। प्लीज शेयर दिस विद वीडियो, आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर सेंट एक्सपेडाइट। गाइज यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गिव अप। Let go, love everything and be grateful for everything. So ये थी इनकी success story and first of all congratulations Raman for this amazing law of attraction success story and thank you so much इसे share करने के लिए, हमें motivate करने के लिए and Saint Expedite emergency wishes के लिए बहुत amazing है। आप चाहे definitely try कर सकते हैं, उनकी help ले सकते हैं but make sure कि आप अपनी wish के लिए serious हो and उनके respect करें, एक time पे एक wish लें। जो इनकी prayer है उसका link मैं नीचे description में दे दूंगी, आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। वो आपको प्रेयर बोलनी है एंड लेट गो कर देना है, सिंपल सी चीज है। सो या दैट इज इट, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को वैसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।